इंडस्ट्री में अक्सर ही आपको लिंकअप और ब्रेकअप जैसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, जिसे आए दिन कोई अपने प्यार को लेकर सुर्खियों में रहता है तो वहीं किसी का ब्रेकअप भी लाइमलाइट का हिस्सा बना रहता है। लेकिन हमारी इस वीडियो में हम आपको उन प्रेम कहानियों के बारे में बताएंगे जिसमें अक्सर ये कलाकार शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है अभिनेता ऋषि कपूर का, जो शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने नीतू कपूर को भी छोड़ने का मन बना लिया था। तो चलिए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो के जरिए कि क्या है ये पूरा वाक्या, क्यों करवाना चाहते थे ऋषि कपूर अपने ही खानदान की बेइज्जती। आप सभी जानते हैं हिंदी सिनेमा जगत के बेहतरीन चार्मिंग एक्टर ऋषि कपूर बेहतरीन कलाकारों के लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है। लेकिन आज हम आपको उनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि शादी के बारे में, यानी कि उनके लव अफेयर से रूबरू करवाने वाले हैं, जहां इनका अफेयर चुलबुली और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेत्री जूही चावला से था। और ऋषि कपूर साहब शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होने के बावजूद भी कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख चुके हैं, जिसने इंडस्ट्री में दिल फेक आशिक भी कहा जाता था। दरअसल बात उन दिनों की है जब ऋषि कपूर साहब और जूही चावला कई फिल्मों में साथ काम किया करते थे, और फिल्म बोल राधा बोल में ऋषि कपूर और जूही चावला की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की गई थी। और अपने दौर की बेहतरीन अभिनेत्री रही जूही चावला अपने क्यूटनेस और चुलबुले अंदाज से इतना ज्यादा फेमस थी कि उनकी ओर हर कोई आकर्षित होता चला जाता था, और यही वजह थी कि ऋषि कपूर भी जूही चावला पर अपना दिल हार बैठे थे। और ऐसे में कहा तो ये भी जाता है कि कपूर खानदान का इतिहास गवाह है कि कपूर खानदान में कोई भी मर्द एक औरत से ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया। अगर देखा जाए तो हर किसी ने दो तीन शादियां की हैं, और अब ऋषि कपूर कैसे अपने एक शादी से खुश रह पाते, जहां वो अपना जूही चावला पर दिल हार बैठे थे। जूही चावला भी उन्हें कहीं ना कहीं मन ही मन चाहती थी। फिर काम करने के बाद इनकी नजदीकियों की खबर काफी सुर्खियों में आने लगी तो कपूर के कानों में पड़ी तो उन्हें काफी दुख हुआ, क्योंकि बॉलीवुड के बेहतरीन कपल ऋषि कपूर और नीतू कपूर लगभग 48 सालों से साथ थे। भले ही ऋषि कपूर जी आज हमारे बीच नहीं है, पर जब इस बात की खबर नीतू कपूर को लगी तो आए दिन ऋषि कपूर और नीतू कपूर में झगड़े होते रहे, और इस दौरान कई बार तो ऋषि कपूर नीतू कपूर पर हाथ तक उठा देते थे। और जब नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को कहा कि उनका एक्स्ट्रा लव अफेयर उनके बच्चों और उनके लिए सही नहीं, जहां वो अपने बच्चों और खुद के भविष्य के लिए काफी चिंतित थी, और इस बात से परेशान होकर ऋषि कपूर ने एक दिल के नशे की हालत से परेशान होकर ऋषि कपूर ने एक दिन नशे की हालत में नीतू कपूर पर हाथ उठा दिया, जिस वजह से नीतू कपूर ने पुलिस को बुलवा लिया। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्हें उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विरोध करने पर मारा पीटा जाता है, जहां अगले ही दिन पुलिस कपूर हाउस पहुंचती है और पूरा वाक्या जानने की कोशिश करती है तो नीतू कपूर साफ तौर पर मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कपूर खानदान की बदनामी हो, और इसीलिए उन्होंने ऋषि कपूर को उस समय झूठ बोलकर बचा लिया था। जहां दरिया दिली को देखकर ऋषि कपूर का दिल भी पिघल गया, क्योंकि पुलिस तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन एक पत्नी और कपूर खानदान की बहू होने के नाते नीतू कपूर ने जो किया उससे ऋषि कपूर को ये समझ आ गया कि नीतू कपूर ऋषि कपूर और उनके परिवार की फिक्र करती हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने परिवार और बच्चों में वापस लौटने का मन बनाया और जूही चावला से दूर, क्योंकि उस वक्त ऋषि कपूर का ये पहली बार नहीं था जब उनका दिल किसी अभिनेत्री पर आया हो। इससे पहले भी कई अभिनेत्रियों को वो डेट कर चुके थे, लेकिन जब बात जूही चावला की आई तो वो जूही चावला को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, और इस वजह से वो नीतू कपूर को छोड़कर जूही चावला से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन आखिरी वक्त में ऋषि कपूर ने अपने बच्चों और परिवार को समझा और अपने और उनके पास वापस लौट गए। को क्या लगता है कि ऋषि कपूर का शादी होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना सही था? क्या वो किसी और के लिए अपने परिवार को छोड़ने तक के लिए तैयार थे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।